आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रिय छात्रों, देखिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में आपको एक फलन दिया है y बराबर gx, ठीक है, तथा एक दूसरा फलन दिया है fx बराबर 6x^5 4 × x^3 2x, ठीक है। gx इस फलन का क्या है? प्रतिलोम है। तो gx xh और कोटि x बराबर 12 द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल है वो बताना हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम फलन लिखते हैं fx जो दिया गया है। fx का मान है 6 × x^5 धन 4 × x^3 धन 2x, ठीक है। तो अगर हम f0 करते हैं तो f0 का मान क्या होगा? वहां जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी पद जीरो, सारे पद जीरो, जीरो मान होगा। f1 अगर लेते हैं, x का मान 1 रखते हैं यहाँ पे, तो मिलेगा 6 × 4 × 2, ठीक है, तो ये मिलेगा 12 मिल जाएगा हमको, ठीक है। तब यहां मानते हैं कि मानने की हमें आवश्यकता नहीं है कि अगर gx क्या है, प्रतिलोम है। gx क्या है? ये हमारा fx का प्रतिलोम है, ये प्रश्न दिया है, ठीक है। gx क्या fx का प्रतिलोम है, तो यहां हम सूत्र लिखते हैं जिसके माध्यम से प्रश्न को कर सकते हैं। तो सूत्र है हमारा समाकलन ऑफ gx dx, और इसकी जो सीमाएं जाएंगी, मान लीजिए इसकी सीमा जाती है b से लेकर d तक, धन फलन है fx dx, और इसकी सीमा जाती है हमारी a से लेकर c तक, तो इसका जो मान होता है वो होगा cd माइनस ab, ठीक है, इसका मान ये हो जाएगा। तब देखिए, देखिए f0 क्या है? f0 हमारा शून्य है, इसका मतलब है कि हमें a का मान शून्य है और b का मान भी क्या शून्य है। f1 क्या है हमारा? f1 है हमारा 12 है, इसका मतलब c का मान 1 है और d का मान क्या है? 12 है, ठीक है। तो यहां से मिलता हमें समाकलन ऑफ 0 से लेकर के 12 तक gx dx धन 0 से लेकर के c तक fx dx, इसका मान हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? cd यानी c into d यानी 1 × 12 माइनस 0 × 0, ठीक है, इसका मान आ जाएगा 12। तो हमें मिल जाएगा फलन समाकलन ऑफ gx, ये हो जाएगा 12 ऋण, इसको क्या करते हैं, दूसरी पक्ष मिल जाते हैं, तो 0 से 1 हो जाएगा fx। अब यहाँ fx का मान रख देते हैं, fx के हमारा ये फलन है 6 × x^5 धन 4 × 3 धन 2x, तो ये हमारा फलन है 6 × x^5 धन 4 × x^3 धन 2x dx, ये हमारा फलन हो गया। तो इसका समाकलन करते हैं तो मिलेगा 12 ऋण 6 × x^5 6/6 4 × x^4 धन 2 × x^2 2, ठीक है, इसका मान कहां से आएगा? 0 से 1 तक जाएगा, इसका दाहिना पक्ष हो जाएगा 12 ऋण, ठीक है, x का मान लिखते हैं 1 हो जाएगा, यहां से ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आ जाएगा आपका 12 घटाएंगे 9 आ जाएगा। तो यहां से समाकलन ऑफ gx, और इसकी सीमा है क्या? 0 से लेकर 12 तक। तो देखिए प्रश्न में यही पूछा गया था कि हमें इसका क्षेत्रफल बताइए, क्या क्षेत्रफल हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 9, ठीक है। तो gx x h और कोटि x द्वारा प्रतिबद्ध, ठीक है, तो आपको xh है, xh, ठीक है, और 12 आपकी कोटि है, ठीक है, तो इसका कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।